जय मेरे कान्हा जी, जय लड्डू गोपाल जी, जय माता रानी, जय गुरु जी। तो गाइस, पूजा हो गई है मेरी और मैंने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो आज मैंने पहनाई है लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर की ड्रेस, और नीचे भी इनको मैंने पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है। देखो, शनील की, ये वेलवेट की है, और ये ऊपर थोड़ी गर्म पहनाई है ताकि उनको ठंड ना लगे। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि आज सुबह हम बहुत लेट उठे हैं रौनक और मैं, क्योंकि आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। आप सबको गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। और मेन चीज़ ये है कि आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी, तो मुझे लग रहा था कि रोज़ डेली में मैं जल्दी उठती हूँ, रौनक भी जल्दी उठता है, तो आज हम थोड़ा सा लेट उठे हैं। और चाय हमारी बन गई है, रौनक को भी मैं अभी चाय दे रही हूँ क्योंकि उसका गला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से मैंने सोच ये बोला कि तू दूध मत पी, क्योंकि दूध थोड़ा सा भारी होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी कफ वगैरह हो जाती है ना रौनक। तो इस करके मैंने उसको बोला कि दूध पी ले। मैंने अदरक, अजवाइन वगैरह और सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको चाय बना के दी है। और अभी मेरी पूजा, मैंने आपको दिखाया कि मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, मैंने पूजा कर ली है। आज लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के, सुंदर सुंदर कपड़े पहना के मैंने विराजित कर दिया है, और मेरे चीकी भी की भी जाग चुके हैं, खेल रहे हैं ऊपर। और बस अभी मेरी चाय बन गई है, अभी हम रौनक और मैं चाय पीएंगे। और ये हमारी चाय है, मैं दिखा देती हूँ गाइस, 2 कप हमारी चाय, और इसके साथ मैं दो गरम लूंगी चाय रस, की प्याली हो। दो गर्म चाय की प्याली हो, रौनक बिस्किट खाएगा और मैं लूंगी साथ में रस, और उसके बाद देखते हैं गाइस पूरे दिन में क्या रह पाता है। मैं कल रात को तो बहुत प्लानिंग कर रहे थे कि फतेहनगर जाएंगे, बंगला साहिब जाएंगे, फिर इस्कॉन चले जाएंगे शाम को। ऐसे करते करते 12 बजे आ देंगे रात के। अब क्या हुआ, के 12 बजा अभी देंगे दोपहर के 12 हो रहे हैं, हम चाय पी रहे बैठ के। ये भी कोई अच्छा जोक मारा तूने वैसे, सच्ची में मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जोक ही है मेरे लिए ये। कोई ना, अब जोक को सच में बता दो ना। रात को प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, तो प्लानिंग तो अभी भी है हमारी, बस चल रहे हैं अभी चाय पिए तो क्या हो गया, नहा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अभी रेडियो के जाना ही तो है सिर्फ। बस इतना सही काम बचा है। हाँ, कितना टाइम लगेगा रेडियो होने में? देख 12 बज रहे हैं अभी, और 1 बजे निकल जाते हैं फतेहनगर गुरुद्वारा, हाँ 1 घंटा लग ठीक गया है? तैयार होने क्योंकि में। हमने तो अच्छा ऐसे कैसे, क्योंकि क्या तैयार होना बताइए यार, कपड़े करनी है, कंघी तो करनी है। तो आप 1 घंटा क्या कहाँ ले गए उसको, 15-20 मिनट में लो ना ज्यादा। चल फिर भी निकलते निकलते, जैसे आप नखरे करेगा, कभी ये करेगा, कभी वो मैं करेगा, कौन से करते नखरे करते करता हूँ? मैं तो बिल्कुल नखरे नहीं करती। मैं ऑफिस हाँ में भी मैं जाती हूँ तो 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ मैं। हाँ तभी तो 10 बजे पहुंचते हो। टाइमिंग 9:30 की है, मम्मी पहुंचती पागल है क्या, 9:30 बजे और मैं 10 बजे पहुंच रही हूँ ना, धक्के भर के निकाल देंगे मुझे ऑफिस से। कभी तो वो करते नहीं है ना, दया खा लेते कभी कभी, कभी तैयार खा लेते हैं वो, रोज खाते हैं रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे नहीं खाते वो, तो रोज खाते हैं, नहीं। रोज ही खाते हैं। हाँ तो बस अभी चलते हैं, पहले तो माँ जाना था हमने पहाड़गंज, सीताराम के बटुर हाँ, चले। एक दूर ही बहुत है, पहाड़गंज बहुत दूर है यहाँ से, भगवान भी नहीं चाहते उल्टा सीधा कुछ खाए। तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए वो उल्टा सीधा। सही बात है। फिर मम्मी खुद बोलती खाने का मन है, कल से मैं डाइटिंग करूंगी, कल से डाइटिंग, कल को छोले भटूरे खा रहे होगे आप। नहीं अब मैंने सोच लिया है। अब तो मैं रोज ही खाऊंगी, बोलूंगी भी नहीं डाइटिंग का। नहीं अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाऊंगी, और खास करके मैदी वाली चीज जैसे मैं खा लेती हूँ कभी कभी, ब्रेड लेके जाती हूँ ऑफिस में, रोटी लेके नहीं जाती हूँ, या फिर चावल खाती रहती हूँ, मतलब वो मैंने नहीं खाना। पहले भी बोल अच्छा। चुकी वैसे मैं ये चीज, पर मैंने बहुत कम कर दिया था, अभी तो मेरा और भी कम हो गया गाइस। सच में बोलूँ तो ऑफिस में रोटी लेके जाने का, जैसे ही रोटी खाती हूँ ना ऐसा लगता है इतना भारीपन सा हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो अभी देखते हैं कि हम पहले जाएंगे फतेहनगर गुरुद्वारे, बंगला साहिब और नहीं, बंगला साहब नहीं, तो पूरा दिन लग जाएगा वहां पे। कोई ना, आपने कहा तो है, कोई ना, चलेंगे फिर, चलेंगे नेक्स्ट मंथ में, छुट्टी करूंगी ना फिर चलेंगे, ठीक है। ठीक है? और नेक्स्ट मंथ की छुट्टी में है, पहले 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 तो हमने जाना है शादी पे, पहले हम जाएंगे 4 तारीख को कृषा की शादी पे, और उसके बाद मेरी प्लानिंग हो रही है वृंदावन जाने की, और ये फाइनल प्लानिंग है मेरी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे एग्जाम जो है फरवरी में, उसका तो क्या? एक दिन में आना जाने तो करना है, उसमें क्या है, वाह, एक दिन में तो करना है, एग्जाम पूरा दिन चलो थोड़ी तैयारी करते रहते हो, चलो ठीक है फिर। है ना? छुट्टी वाले दिन ही करेंगे एडजस्टमेंट, कि तेरे को भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो, छुट्टी मैंने भी नहीं इतनी लेनी, तो देख लेंगे उसी हिसाब से, है ना? हाँ तो नेक्स्ट मंथ की मैंने 4-5 चीज सोची हुई जो मैं करूंगी ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि करना ही करना है। करना ही करना है।
जैसे बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज भी इम्पोर्टेंट है, तो वो करेंगे, है ना। तो अभी चाय पी लिया भाई साहब, फटाफट से रेडी हो जा, ठीक ठीक है, है। फिर निकलते हैं। मंगला साहब नहीं जाना हमने, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, और उसके बाद जाएंगे हम फतेहनगर गुरुद्वारे, और शाम को जाएंगे हम इस्कॉन मंदिर, ठीक है ठीक है। मम्मा, हम तो 1 घंटे के अंदर निकलना था, 2 बज रहे अभी। हाँ तो कोई नहीं, बस हो गया मेरा काम, सारा काम भी तो करना होता है ना बाबू, देख हाँ तो चलो ना। तो बस हो गया मेरा, भाई सॉक्स उतार गया अपने, हाँ रेडी हो गई हूँ, तो बस पैजामे चलो, पहनूंगी अभी और चल पड़ते हैं फिर, है ना। हाँ जल्दी दो चलो, मिनट, जल्दी तैयार हो जाओ। ते शॉल लेके जाऊँ या फिर दुपट्टा लूँ, ये क्या है फिर? ये तो दुपट्टा है, हाँ तो यही पहन लो। ये पहन लूँ, तू मुझे बता एक बार, है ना, कैसे लग रहा है इसके साथ, सूट के साथ जल्दी कर लो बता ना, मम्मा। सूट के साथ कैसा लग रहा है, ठीक ही सही है। लग रहा है, और जीजी तो नहीं लग रहा, नहीं, ये मेरा सूट सूट जो है ना, ये कॉटन का सूट है, अच्छा। तो मैंने सोचा अब गुरुद्वारे जा रहे हैं, जीन्स वगैरह तो पहन के जाना नहीं है, तो यही पहन लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइनिंग भी लगी हुई इसके नीचे, हाँ और मैंने नीचे इनर वगैरह सब पहना हुआ है, तो ऊपर स्वेटर पहन लिया, तो शॉल लेने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या बता, नहीं तो चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब ठीक ही है, जैसे भी आप कर लो। आप चलो ना फटाफट से। चल ठीक है, बस निकल रही हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे बताना गुरुद्वारे, तो अगर आप मतलब बुरी तरीके से चलाओगे, नहीं सही से चलाऊंगी, ढंग से चलाना और मुझे गिराना ना। नहीं ठीक ढंग से चलाऊंगी, ठीक है। है। तो गाइस अब हम जाने लगे हैं गुरुद्वारे, जल्दी चलो अम्मा, कितना टाइम लगा हुआ है। बस गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने दुपट्टा भी ले लिया, साथ में मैंने ले लिया शॉल, क्योंकि मेरे को लग रही है ठंड, और स्कूटी भी तो और भी ज़्यादा ठंड लगेगी, तो इस करके मैं नहीं भी कोई रिस्क लेना चाहती, इसको मैं आगे फोल्ड करके ऐसे करूँगी अभी स्कूटी पे, और मैं शॉल लेके जाऊँगी, दोनों चीज़ें, सिर ढकने के लिए तो मेरे चुन्नी काम आएगी, और शॉल तो बॉडी ढकने के लिए, मैंने वो हुडी पहन ली साथ में, इसको तो मैंने काफ़ी कपड़े पहना दिए नीचे से, अब चार मुझे, पांच कपड़े। हाँ इसको ठंड लगनी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, मैंने इसको बोला है ग्लव्स वगैरह सब पहन ले। तो नहीं लगेगी, गाइस हम आपको फतेहनगर गुरुद्वारे जाके मिलते हैं अभी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फतेहनगर गुरुद्वारे, तो मैं अंदर जाके आपको भगवान जी के, बाबा जी के दर्शन जरूर कराऊंगी, और उन्हें मेरे पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि मेरे साथ साथ आ जाए। हाँ तो बस अभी पहुंच गए हम लोग, तो ये आ गए थे हम गुरुद्वारा साहिब, जोड़ा कर में अपनी जूती रख ली है, तो बस अभी हम माथा टेकेंगे दोनों। तो गाइस अभी हमने प्रसाद कराना है, तो इस वजह से यहाँ पे पहले लेंगे पर्ची, काउंटर से पर्ची, और वहाँ से लेंगे प्रसाद। काफ़ी अभी आज मंगलवार नहीं है ना, तो आज भीड़ कम है। मैं प्रसाद ले रहा हूँ, सुंदर बदन कर लगाने को रागो रखियो जाक मंत्र गुण बेन कीमत ने खाया कर सम्राट का कहो ना मरवा ए धन संच होए भगवान सत्य ना का निर्मल भाव ए गांस रखो मन माए रोग ना नहीं मिट जाए इस धन को चार कौन लुटता आवे पावे को निर्वाण चैमी सो सुसाधु संतरी सो मां का करे भली करनी सासो वा पजर की सरी अली कुबावे रोग न जाए रोग मिटाया राम बदलाए सर्व निदान मेर नाम निदान जब ताने दर दे परमा। तो गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं लंगर खाने, लंगर खाने, लंगर ग्रहण करने, कभी बस चलकर आपको दिखाएं, लंगर खाने जा रहे हैं गाइस, दिखा तो नहीं सकते अंदर से, नहीं वो तो दिखा लेंगे कोई बात नहीं, और अभी देखो ये फूल का प्रसाद मिला हमें, हाँ और अभी लंगर खाएंगे हम दोनों। तो गाइस हमें मिला है ये राजमा चावल प्रसाद में दाल का प्रसाद। तो गाइस ये गुरुद्वारे के पास शॉप लगी हुई है, इसके पास सॉक्स वगैरह, मैं चारी को बोल रही हूँ कि अपने लिए कोई कैब देख ले, पर ये देख ही नहीं रहा है, मेरे को तो ये सॉक्स अच्छी लग रही है,
लेकिन शूज के नीचे भी पहनी हुई है, बैली के नीचे भी पहनी हुई, तो अच्छी लगेगी है ना। और ये अच्छा लग रहा है साथ में, तो गाइस इसको ऐसे तरीके से पहनेंगे इसको। तो प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम लोग अभी घर जाने लगे थे, बस हम माथा देख लिया हमने, लंगर भी खा लिया हमने, और मैंने सॉक्स भी ले लिया अपने लिए, और प्रसाद भी करा लिया हमने। ये रहा प्रसाद, इसमें रहा। हम घर जा रहे हैं और देखते हैं घर जाके क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। भैया क्या हो गया, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? पेट दर्द हो रहा है। वो तो रात से हो रहा था, सही नहीं हुआ अभी तक? रात से पेट दर्द हो रहा है, पेट भी दर्द हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग आ रही है कुछ। अच्छा। दिल भी नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो दवाई वगैरह कुछ ली नहीं है? दवाई ली है। तो उसके कंचन के घर इसने नहीं गए आप? वहाँ तभी नहीं गया, दिल ही नहीं कर रहा उठने का, टांगों में दर्द है, पेट में भी दर्द है, वॉमिटिंग आ रही है, वहाँ जाऊंगा कुछ बैठा ना जाए, कुछ खाया ना जाए, क्या खाना। अच्छा, इसलिए। ते भाभी रोटी बना के गई सी, रोटी नहीं खा रही, खांदा मन? रोटी खांदा मन नहीं है। ते खिचड़ी दलिया बना दा मैं? दलिया नहीं, खिचड़ी बना दे। खिचड़ी बना दा? हाँ। ते की पावा ते खिचड़ी दे विच? नॉर्मल बनावा या फिर सब्जी पा के बना? सब्जी वगैरह कुछ ना पाई, टाइम नहीं कि ना हो गया, मैं कुछ खाया नहीं। सवा चार हो रहे हैं, तुसी कुछ खादा नहीं है ना? ना कुछ नहीं खाया, मैं कदी नहीं कर रहा खांदा। ते कोई नहीं, मैं हने 15 मिनट से खिचड़ी बना दंगी, वो खा लेना है ना। हां ठीक है। ओए रे नजर ही नहीं आ रही है ते मेनू। अरे ए पूछी रानी, ए मेरे नाल ही सुन रही है। कंबल से लुकी भी है बिल्कुल। और कोको किथे गई? वो अलग रहती है, ऊपर छत गई है। ओ नहीं टिकती वो, ए मेरे बिना रहती नहीं है। ए वैसे ऊपर छत से जाती नहीं है ना वैसे? जी जी मैं सोया हूं तो सो रही है, लेटी हुई है। अच्छा सही है। तो खिचड़ी बना दे, खिचड़ी ना थोड़ा स्पाइसी करे या मिर्च पाना, खाली नमक वो करे? नहीं मैं नॉर्मल सिर्फ नमक मिर्च, थोड़ा हल्की मिर्च पा दूंगी, हल्का ज्यादा खाना डाल दे बस, खाली बस। देखो ये भी सॉक्स है, कितनी प्यारी लग रही है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बड़ी प्यारी लग रही है मुझे तो। और मैं शूज भी पहनती हूँ ना गाइस, उसके नीचे भी अच्छी लगेगी, और साथ में मैं जैसे बैली पहनती हूँ कभी कभी सूट के साथ, तो उसके साथ भी अच्छी लगेगी, है ना रौनक? अच्छी लग रही है ना? क्या हो गया? खांसी आ रही है। चल कोई नहीं, पानी पी लेना साथ में। ठीक है। तो मेरी ये सॉक्स मेरे को बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी ना मैंने इसकी, ये बड़ी चीज़ अच्छी लग रही है मुझे, है ना गाइस। तो गाइस अभी गुरुद्वारे से हमें जो फूल मिले थे ना, रौनक ने एक इसमें सजा दिया, और एक सजा दिया इसमें, तीन है ना, हाँ वो, और एक में सजा दिया है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है ना फूल ये। हाँ, तभी अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा। तू क्या पूछ रहा था, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस नहीं है? नहीं है ना, हाँ ना। नहीं नहीं है, पहले भी बना चुकी हूँ, पर इन पे ये कलर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है ना बाबू। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये है सार्थक के बर्थडे का केक, जो की स्पेशल बना हुआ है जिम का। पेट में कमर में अच्छा लग रहा है। और ये है डॉली भाभी। तो गाइस और ये सोनिया भाभी, और ये हमारी सीना, सारे मम्मा और एक चाची, और ये ईशु ऋषि, और ये ललिता भाभी ऋषि। जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारक हो आप सभी को, और ये सार्थक को, सारे बड़े-बड़े मम्मा पापा सब है। तो गाइस सब सार्थक का हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट बॉक्स में जाके, सबसे पहले ये विश होना चाहिए। सार्थक जी हैप्पी बर्थडे जी। शुक्रिया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। ताली तो बजा दो, तालियां बजा लड़के के लिए। Bless you, bless you, happy birthday, happy birthday, happy birthday। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे सार्थक भाई, और जय श्री राम, जय श्री राम। आपको सोनी मम्मा को सबको खिलाओ, सारे बच्चों को खिलाओ। खा लो खा लो, दोनों खा लो, हंसी जा रहे हैं। हम सबको मिल रहा है ढोकला, साथ में ये प्लेट में सबको।
तो गाइस आज का हमारा जो डिनर है वो ऊपर होने वाला है। भाभी क्या बनाया आपने? आज हमने राजमा चावल बनाए और कढ़ाई पनीर बनाया। अरे वाह, खुशबू चीना खुशबू के बारे में बोल जा रही है। अच्छा, ये चावल, ये राजमा। तो गाइस आज हमारा डिनर आ गया है ऊपर से, क्योंकि आज है सार्थक का बर्थडे और यहाँ हमने रोटी बनती है उन्होंने, और साथ में राजमा चावल और साथ में ये कढ़ाई पनीर। तो मस्त खाना होने वाला है हमारा, तो है ना रौनक? सही है ना? इसके ऊपर क्यों डाल रखा है सिर पे तूने? ठंड सुबह तो नहीं लगती, स्कूल जाते वक्त? अभी लग रही है ना? अभी लग रही है? नहीं, ऐसे उतार के रख, ठीक है? चल खाना खा ले फिर। है कोको क्या लेने आई है? कोको मिशन क्या करने आई है? मैं कोको मिशन वैसे तो नहीं आती, पाली पाली करने आई है। पाली पाली, ओए मेरे पाला पाला बच्चे, कैसे गोदी में एक्चुअल में बच्चे ऐसे? अच्छा बिस्कुट बिस्कुट बिस्कुट, आउच, ए मोटी मोटी को बिस्किट चाहिए। हाँ क्या चाहिए? दे दो उसको बिस्किट, दे दो। बेंच बंच, बेंच, मम्मी मम्मी बेंच कुछ बोलती थी। मैं बेंच कुछ नहीं बोलती, मेरी मासी है ना, मेरी मासी रहती है लुधियाना, और वो ना बचपन में ना बिस्किट को बोलती थी कि मुझे बेंच, लुधियाना वाली मासी पिंकी की मम्मी, मुझे ना बचपन, वो बचपन में अपने मम्मी पापा को बोलती थी, नाना नानी को, कि ना मुझे ना बेंच कुंच दे दो। बेंच कुंच, और अभी कोको बोल रही है मुझे बेंच कुंच दे दो। कोको बेंच कुंच खाएगी, बेंच कुंच खाएगी। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपके सपोर्ट और आपके साथ के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखना, और आप प्लीज जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्लीज, और आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा पूरे साल के अंदर जो भी होगा, इसलिए हमारे व्यूज थे, हमें कुछ भी हमारे व्लॉग थे। उस उनको क्या फायदा, उससे पहले ये पता नहीं होगा कैसे आशीर्वाद मिलेगा उनको, किसका? भगवान का। हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे बाकी हमारे सब्सक्राइबर की, है ना? ठीक है, तो प्लीज इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और रौनक कुछ करना चाहता है सुखजीवन जी के लिए, तो सुखचारी है ही नहीं, हो गया नहीं नहीं कर। तो सुखजीवन जी, आपके लिए चेरी ने अपने बालों में फूंक मारे जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, जो कि है भी, तो आप बाल बोल रहे थे कि रौनक ने बाल हेयर कट करवा लिया, तो मतलब अब वो फूंक कैसे मारेगा, मैं कैसे देखूंगी। तो मैंने इसको स्पेशल बोला कि रौनक सुखजीवन जी के लिए एक बार अपने बालों में फूंक मार के जुटे आए, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं उस चीज को। तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी प्यारी गाइस के लिए, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको हमारा दिल से थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।